फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड वन। सो गाइस, आई एम हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। वी हैव कंप्लीटेड आवर 7 क्लासेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्लास 8। सो होप यू गाइस आर रेडी। और हमेशा की तरह से मुझे उम्मीद है गाइस, आज भी आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठे होंगे और पिछली भी क्लासेस सब अपने नोट कंटिन्यू करते आप चल रहे होंगे। सो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, और आज जो बात होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों को लैंग्वेज सीखने के प्रोस्पेक्टिव से, राइट। सो चलिए, सो गाइस, आज तक जो हमने सीखी है अपनी लास्ट के 7 क्लासेस में, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आप अपनी क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग से ये करते आ रहा हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ तो प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ, हम पुरानी क्लासेस से कनेक्ट और टच कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे शुरू में हम चलते हैं। सबसे शुरू में मैंने आपसे दो बातें की थी, एक्शन और नो एक्शन के बारे में आपको बताया था। एक्शन काम होता है, नो एक्शन काम को करने वाला होता है। उसके बाद हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आप एक टीचर है, यू आर ए टीचर, वह एक टीचर है, ही इज अ टीचर। उसके बाद हमने वर्क को कंटिन्यूशन में लिया था, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, आप कर रहे हो, यू आर डूइंग, वह कर रहा है, ही इज डूइंग, वे कर रहे हैं, दे आर डूइंग, हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग। उसके बाद में क्या किया हमने, वर्क को कंप्लीट कर दिया, फिनिश हो गया वर्क हमारा, जहां पर हमने क्या यूज किया, आई यू वी दे दीज, इन सबके साथ में हमने हैव का यूज किया, और हैव के साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूं कि मैं कर चुका हूं, आई हैव डन, आप कर चुके हैं, यू हैव डन, वह कर चुका है, अब वह की बात आ रही है, थर्ड पर्सन जो हमारा कम्युनिकेशन के बीच में आ जाता है, कॉन्वर्सेशन के बीच में, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर आपका डिफरेंट आपका ये टाइम वर्ड लगता है। जैसे मैंने कहा हैज, he has completed या he has done, so यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको गाइस? एक चीज और, इसमें दो क्लासेस और हैं, जैसे कि उसके बाद में वर्क कंप्लीशन होने के बाद में जो चीजें हमारे लाइफ के अंदर डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं, जो हमारी चीजें चलती हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई डू, मैं करता हूँ, आई वर्क, आई प्ले, आई डांस, ये हो जाता है। उसके बाद में मोस्ट रिसेंट, जो इससे पहले हमारी क्लास थी क्लास 7, जिसमें हमने बात की थी जो हमने काम कर लिया, यानी कि जो पास्ट में हमारा बीत गया। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये किया था, I did, मैं खेला था, I played, मैं नाचा था, I danced. So hope यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। So guys, अब चलते हैं अपनी इस क्लास की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, ठीक है, जो काम हम करेंगे आगे चलकर। फ्यूचर की क्लास आज तक आपने पढ़ी होगी, क्लास में भी पढ़ी होगी, और अपना जो है कहीं अगर आप इंग्लिश ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन आज क्लास थोड़ी सी आपकी डिफरेंट होने जा रही है, अलग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट को, ठीक है गाइज। तो चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ करेक्ट करने के लिए ग्रामेटिकली, लेकिन यहां पर जो प्रॉपर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पोकन क्लास। क्या कर रहे हैं गाइज, स्पोकन क्लास। इसको हमें अपने माइंड के अंदर लेकर चलना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पोकन क्लास है, ना कि ग्रामर। ग्रामर का एक अलग से एक सेशन करने वाले हैं, मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था इसका, वो अलग से हुआ। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं आज यहां एक टाइम वर्ड होता है हमारा विल। क्या होता है विल, इससे पहले हमने बात की थी डिड के बारे में, ठीक है ना, डिड आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो विल होता है यानी कि मैं किसी काम को करूंगा इन फ्यूचर, जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट में, कल हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूं, कल भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जब बात आती है हमारी फॉर श्योर श्योरिटी की, कि हाँ जी मैं कल ये काम को करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, या मैं नहाऊंगा, या मैं दिल्ली जाऊंगा, या मैं खेलूंगा, जो भी चीजें होती हैं वो हमारी फ्यूचर से रिलेट करती है, मैं इस काम को करूंगा, वहां पर हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइज। तो अब विल तो मैंने बता दिया यहां पर, विल इसके ऊपर भी कुछ चीजें होती है। यहां तो ये हो गया कि श्योर श्योर श्योरिटी है कि हाँ मैं करूंगा इस काम को, लेकिन जब एक बिल्कुल फुल प्रूफ ये बात है कि हाँ अब मैं पक्का इस काम को करूंगा, ठीक है गाइज, तो थोड़ा फोकस करना है यहां पर, पक्का करूंगा। एक तो ये होता है हाँ मैं करूंगा, तो उसमें ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश है कि अगर मैं ना भी करूं तो थोड़ा सा मैं एक्सक्यूज दे सकता हूं वहीं पर, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं पक्का इस काम को करूंगा तो वहां पर कंडीशन बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब मैं पक्का करूंगा किसी काम को तो वहां के लिए मैं बोलूंगा मस्ट। क्या बोलूंगा, मस्ट। ये उसके बाद होता है आपका विल। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे आपकी जो लैंग्वेज जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको पुट करेंगे और अपना सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है गाइज। अब ये हो जाता है मस्ट, मैं किसी काम को पक्का करूंगा, विल मैं हाँ करूंगा। अब बात आती है किसी काम को ये कह देना कि मैं शायद करूंगा। लेट सपोज एक हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है,
ग्रुप में अक्सर हम जाते हैं पिक्चर्स वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो एक मेरा फ्रेंड कॉल करता है मुझे, यार आज मूवी के लिए चलते हैं। ठीक है, चलेगा क्या? चलते हैं तो जनरली उसने मुझे पूछ लिया, लेकिन वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है चलेगा क्या मूवी देखने। लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर में कंडीशन इस तरह की है कि मेरे पास में आज मेहमान आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, तो जब गेस्ट आने वाले हैं तो मेरे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं उसके साथ जाने की, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी सेट करनी होती है। मूवी देखना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा अपने घर को हैंडल करना मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अब अगर मेरे मेहमान आ जाते हैं तो डेफिनेटली मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा, और मेहमान अगर मेरे नहीं आते हैं तो मूवी देखने मैं जा सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, एक शॉर्ट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा, यार मैं शायद जाऊंगा मूवी देखने के लिए, शायद, समझ रहे ना? तो शायद के लिए हम क्या बोलते हैं, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताई है चीज रियल टाइम एग्जाम्पल में, शायद के लिए हम यूज करते हैं मे, क्या यूज करते हैं मे। अब इससे अगली वो एक और कंडीशन आती है, सबसे पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, मस्ट, जो मैं किसी काम को पक्का करूंगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलने वाला, मैंने कहा मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो मतलब क्लास पढ़ाऊंगा, और इसमें ये मस्ट वाली कंडीशन है, यहां पर मैं क्लास पढ़ाऊंगा वीडियो बनाऊंगा तो मतलब बनाऊंगा, आई मस्ट क्रिएट अ वीडियो, आई मस्ट टीच द क्लास, राइट। अब बात आती है विल, विल में होता है कि मतलब 100% मैं किसी काम को करूंगा। हाँ ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी ये छिपी हुई है कि अगर नहीं होता तो मैं एक एक्सक्यूज दे सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया अपना एक्सक्यूज कि भाई देखो मेहमान आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, मैं अगर गेस्ट नहीं आते हैं तो मैं तेरे साथ में मूवी देखने चलूंगा, अगर आ जाते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर कंडीशन बन जाती है शायद वाली। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन है गाइज हमारी, वो है बिल्कुल माइनर सी हमारी कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, बिल्कुल शायद ही, ये होता है माइट। क्या होता है माइट? माइट में हम यूज करते हैं बिल्कुल लोअर पॉसिबिलिटीज हो जाती है किसी काम को करने की। जैसे अगर मैं कहूं कि गेस्ट मेरे ऑन द वे हैं, अभी तक तो मुझे पता है कि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन अब मेरे गेस्ट जो ऑन द वे हैं, ठीक है, उन्हें हमारे घर से अलावा भी दूसरे घर जाना है, लेकिन कंडीशन ये बन सकती है कि हो सकता है वो दूसरे घर पहले चले जाए या हमारे घर पहले आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि गेस्ट आने ही आने हैं। मूवी के लिए मैं क्या बोलूंगा अपने फ्रेंड को कि भैया मैं शायद ही जाऊंगा, क्योंकि दोस्त को भी राजी रखना है ना, वो अगर वो नाराज हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, तो अगर मैं उसको डायरेक्ट बोल दूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा भैया, तो वो हो सकता है बुरा मान जाए। फैमिली को मैं डायरेक्ट बोल दूं मैं तो मूवी देखने जा रहा हूं, मैं नहीं देखूंगा, गेस्ट मैं हैंडल नहीं करूंगा, तो ये भी थोड़ी सी गलत हो जाती है बात, ठीक है ना? तो दोनों चीजें मुझे बैलेंस करके चलनी है, तो मुझे अपने दोस्त को बोलना है कि मैं शायद ही जाऊंगा मूवी देखने के लिए, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में बोलते हैं माइट, ठीक है। और गाइज एक चीज और, अगर हम डायरेक्टली मना ही कर देते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता चल गया कि गेस्ट मेरे घर पर घर के बाहर खड़े हुए हैं, उधर से फ्रेंड का फोन आता है भाई मूवी के लिए चलेगा, मैं कहता हूँ भैया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी कंडीशन डिफरेंट हो चुकी है, यहाँ पे चेंज हो चुकी है कंडीशन। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर विद परसेंटेज समझाता हूँ। जैसे मस्ट की कंडीशन में होता है हमारा 110, ये फोकस करना थोड़ा, 110 यानी कि मुझे बिल्कुल करना ही करना है इस काम को। विल की कंडीशन में मेरी पॉसिबिलिटीज हो जाती है 100% कि हाँ कुछ अगर एक्सक्यूज हो सकता है तो मैं कहीं ना कहीं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। में मेरी कंडीशन आ जाती है 70% में मानता हूं, ठीक है 70%, कि अगर मतलब शायद जाऊंगा, जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता हूं, यहां पर कंडीशन जाती है 20%, शायद ही, ये 30% लगाते हैं, सॉरी यस 30%, ये 70% हो जाता है आपका और ये 30% हो जाता है, और यहां पर जनरली ये 0% पॉसिबिलिटी खत्म है यहां पर, क्योंकि मैंने सवाल ही खत्म कर दिया, विल यू गो फॉर अ मूवी, नो आई विल नॉट गो फॉर अ मूवी, खत्म बात, ठीक है। और पक्का जाऊंगा, आई मस्ट गो, जाऊंगा आई विल गो, शायद जाऊंगा आई मे गो, शायद ही जाऊंगा आई माइट गो। होप यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। सो गाइज अब चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में। एक हमारे पास में होता है सब्जेक्ट आई, एक सब्जेक्ट होता है यू, वी सॉरी वी। अगर हम ग्रामेटिकली जाएं इसके साथ में, तो आई और वी के साथ में हमारा जो लगता है वो शैल का प्रयोग होता है, लेकिन हम अगर स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको शैल ही प्रयोग करना है, अगर आप विल बोल देंगे, मे बोल देंगे, माइट बोल देंगे तो नॉट एन इशू, ये गलत नहीं होगा, आपको स्पोकन में ठीक आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आई और बी के साथ में हम क्या लगाते हैं फ्यूचर के अंदर, अक्सर अक्सर ये होता है कि जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, व्हेन आई वाज जस्ट लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, सो उस टाइम पे भी यही हुआ, एक हम अपनी स्पोकन क्लास ले रहे थे, यार आप बोलते हो इंग्लिश बोल देते हो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ कि आई और बी के साथ में फ्यूचर टेंस में आप क्या प्रयोग करते हो, मैंने सिंपली कहा विल यूज करते हैं,
मस्ट यूज करते हैं, मे यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं, विल नॉट यूज करते हैं। नहीं नहीं आप गलत यूज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, डायरेक्टली मुझे ऐसे कहा फ्रेंडली। लेकिन मैंने कहा भैया आप ठीक है अपनी जगह ठीक बोले, अगर मैं ग्रामेटिकली जाता हूँ, अगर मैं अपना कोई एग्जाम में जा रहा हूँ या कहीं मैं कंपटीशन में कहीं बैठ रहा हूँ तो वहां पर मैं डेफिनेटली शैल का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर स्पोकन की मैं बात करूँ तो मैं आराम से विल बोल सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना ही आपको कोई रोक सकता। तो मैं कहता हूँ आपसे कि आप डायरेक्टली धड़ल्ले के साथ में बोलो आई विल नॉट गो, आई विल प्ले, आई विल नॉट प्ले, जो आपको बोलना है। ठीक है गाइज, चलिए तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ में लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल एक्शन, फर्स्ट फॉर्म लगती है यहां पर एक्शन की। अब करते हैं क्वेश्चन यहां पर, विल यू एक्शन। आपको पता होगा क्वेश्चन मार्क के लिए मैं बार बार फोकस करता हूं, जब कभी भी मैं आपको टाइम वर्ड बाहर ले जाकर के कोई भी क्लास अगर पढ़ा रहा हूं, डू की क्लास पढ़ाई है, डिड की क्लास पढ़ाई है और आरयू की क्लास पढ़ाई है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड, जैसे ही क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है और एंड होता है तो वहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए आपको जरूर बोला है, क्योंकि ग्रामेटिकली सही होता है और ग्रामेटिकली इसको यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है गाइस, विल यू एक्शन। अब मैं कहूं कि आई मस्ट, आई विल, आई मे, I might and I will not। एक चीज से आपको यहां पर छुट्टी मिल जाती है, क्या कि आपको I, you, we, they, it, she, राम, सीता, जो भी आपके पास में सब्जेक्ट आ रहा है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा यही टाइम वर्ड यूज करना है आपको, विल, मस्ट, मे, माइट, मस्ट, विल, मे, माइट। ठीक है गाइज, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको दे देता हूं एक्शन, टीच द क्लास। क्वेश्चन बनेगा विल यू टीच द क्लास, क्या आप क्लास पढ़ाओगे? यस पक्का, आई मस्ट टीच द क्लास, पढ़ाऊंगा आई विल टीच द क्लास, शायद पढ़ाऊंगा आई मे टीच द क्लास, शायद ही पढ़ाऊंगा आई माइट टीच द क्लास, और मना कर देता हूं सिंपल आई विल नॉट टीच द क्लास। नेक्स्ट एक्शन लेते हैं यहां पर, स्पीक इंग्लिश। ये भी एक अच्छा एक्शन है क्योंकि इसको हम जनरली यूज करते हैं। और एक एक्शन ले लेते हैं, टेक टी, चाय पीना, एंड नाउ स्मोक। तो गाइज ये मैंने एक्शन आपको दिए हैं और ये साथ के साथ आपका एक होमवर्क भी है। ठीक है गाइज, मैं वंस अगेन आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुझे कोई भी कॉमेंट नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार का, तो मैं वंस अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ गाइस कि अपने कमेंट्स बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप ये डाला करें कि जैसे कि एक एक्शन मैंने आपको दिया, ये पूरी क्लास आपने यूज की है, तो इसके अलावा कोई एक्शन जो आपके सराउंडिंग्स हो रहा है, जो आप करते हैं, वो इस क्लास के ऊपर अप्लाई करें और मुझे सेंटेंस बना करके दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद है आप जरूर करेंगे इस चीज को। ठीक है गाइस, सो उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो गाइस इस क्लास को प्रैक्टिस करिए खूब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूअसली मुझे आप कमेंट अपने देते रहिए। और एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गाइस कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और व्यूज भी बराबर दे रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आपका प्यार बरकरार रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस थैंक यू।